हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पोटैटो चिकन कटलेट्स। इसमें सिर्फ दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा अहम ज़रूरत होती है, बाकी सब घर के मसाले इस्तेमाल करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें मैं ले रही हूँ 2.5 कप बॉयल एंड श्रेडेड चिकन, चॉप्ड ऑनियंस, क्रश जिंजर एंड गार्लिक 1 टीस्पून और कैप्सिकम चॉप्ड, ये ऑप्शनल है। 3 बॉयल एंड मैश पोटैटोज यानी कि आलू, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिकन या फिर गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार, मुट्ठी भर ताज़ा हरा धनिया चॉप किया हुआ। एक पैन में हम 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ ऑनियन, कैप्सिकम और क्रश जिंजर और गार्लिक। इसे हल्का सा सॉटे करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा भुनेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस यानी कि मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला और चिकन मसाला या फिर गरम मसाला जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसे भी हम हल्का सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं बना पकाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल और श्रेडेड चिकन। ये मैंने बॉयल करके श्रेड करके मेजर किया है, ये 2.5 कप है मेजरमेंट के हिसाब से। इसे भी हम हल्का सा मिक्स करके कुक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं कुक करना है क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ चिकन है हमारा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी कुक्ड है तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड कर लेंगे चॉप्ड धनिया। मुझे धनिया का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए इसमें ताज़ा हरा धनिया फ्रेशली चॉप ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। मैंने धनिया डालने से पहले ही स्टोव ऑफ कर लिया था। अब हम इसे ठंडे के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये ठंडा होने के बाद अगर डो की तरह लगे तो ये बिल्कुल तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब हम हाथों की हेल्प से इस तरीके से कटलेट का शेप दे देंगे। ये शेप होल्ड कर रहा है यानी कि ये परफेक्टली तैयार है। अगर आपका ये वाला मिक्सचर डो की तरह नहीं है या फिर शेप नहीं होल्ड कर रहा है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून या फिर 1 टेबलस्पून रोस्टेड ग्राम फ्लावर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अंडे बीट कर लिए हैं और ब्रेड क्रम्ब ले लिया है। अब हम एक एक कटलेट लेंगे, एग में डिप करेंगे और इसे ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट कर लेंगे। बड़ा ही आसान है कटलेट बनाना। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद इसे फ्रीज़र में फ्रीज भी करके जब भी आपको खाने का मन करे आप इसे फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। लगभग ये 15 से 20 दिन आराम से फ्रीज़र में पड़े रहेंगे। देखिए मैंने इसे कोट कर लिया है विदाउट एनी मेस, क्योंकि कोटिंग वाला बहुत ही मेसी स्टेप होता है। तो आप इस तरीके से फोक यूज करके इसे विदाउट मेस कर सकते हैं इसकी कोटिंग। देखिए ये तैयार है। आप ये फ्राई होंगे, अगर आप चाहे तो इस स्टेज पे फ्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से प्री हीट कर लिया है। अब हम इसमें बहुत ही केयरफुली ड्रॉप कर लेंगे। आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं या फिर ओवल शेप भी, जो भी शेप आपको पसंद है आप उस शेप के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में फ्लेम एडजस्ट करके क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस है ये कटलेट्स, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आप इसके फैन बन जाएंगे। मैंने प्लेट को हल्का सा डेकोरेट कर लिया है। देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्प हैं हमारे पोटैटो चिकन कटलेट्स। सिर्फ इसमें 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि है पोटैटो और चिकन, द रेस्ट आपके घर में अवेलेबल होंगे सारे सामान जो भी हैं कॉमनली यूज्ड ही इंग्रेडिएंट्स या फिर वेजीज मैंने इस्तेमाल करके इसे बनाया है। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप पोटैटो कटलेट्स भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी आपके साथ मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितने ज़बरदस्त हैं ये कटलेट्स, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।